ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, ये सिर्फ हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि आरएसएस और बीजेपी के लोग महिला शक्ति को दबा रहे हैं और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आरएसएस और भाजपा की सरकार है, इनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा अलग अलग है। कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा है, हमें इनके खिलाफ प्रेम से लड़ना है, नफरत के जरिए हम नहीं लड़ सकते। तो हमें डरना नहीं है, हमें प्यार से लड़ाई लड़नी है। और ये सारे के सारे आरएसएस वाले जो कंफ्यूज हो गए हैं, जिनके दिमाग में हिंदू धर्म के बारे में कंफ्यूजन घुस गया है, इनके दिमाग से प्यार से हमने कंफ्यूजन निकालना है और जो इनका डर है उसको निकालना है और उस डर को निकालकर अंदर प्यार डालना है, हमारा काम है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने इसके नए प्रतीक चिन्ह और नए झंडे का भी अनावरण किया। पार्टी के नए प्रतीक चिन्ह के बारे में महिला कांग्रेस ने कहा कि ये मूल कांग्रेस पार्टी के हाथ के चिन्ह को सम्मिलित कर महिलाओं की पार्टी और देश में भागीदारी बढ़ाने का संदेश देता है। स्काई न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट।